भागलपुर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को गिराने बिहार सरकार के राजस्व मंत्री राम सूरत राय भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया। जमकर तारीफ के साथ ही विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के रूप में मना रहे हैं। हमारा मिशन एवं विजन 2047 है। हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक सांसद एमएलसी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। जब यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है। उन्हें 70 साल मिला तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया। राम सूरत राय ने कहा कि देश में एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो एक दिन विश्व के सबसे बड़े नेता बनेंगे और पूरे विश्व पर राज करेंगे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री जी अपना प्रधान सेवक के रूप में, प्रधान चौकीदार के रूप में 8 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। उस 8 वर्ष को हम लोग सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के रूप में हम लोग सब लोग मना रहे हैं, और यह सेवा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में यह सेवा निरंतर जारी है और जारी रहेगा। पहले देश के अंदर एक धारणा थी, इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता है, जो हो गया वो बहुत है, लेकिन आज धारणा बदली है कि नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। 8 साल बेमिसाल के रूप में हम लोग मना रहे हैं, और निश्चित रूप से यह सफ़र संकल्प से सिद्धि तक हम लोग ले जाना चाहते हैं। हमारा मिशन और विज़न 2047 है। हम लोग का यात्रा, बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि देश के अंदर अभी हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विधायक मेरे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एमएलसी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य अभी 75वां अमृत महोत्सव मनाना था, जो हम मना रहे हैं, लेकिन 2047 शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे, और पूरे देश के अंदर हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, इस मिशन से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबों को आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ा है, और यह देश आत्मनिर्भर होने के कड़ी में अग्रसर हो रही है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज जनता को यह विश्वास हुआ है अपने राष्ट्र के बारे में, भावना के बारे में, कि हमारा देश गौरवान्वित हुआ है मोदी जी के आने के बाद। और निश्चित रूप से किसान और गरीब खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों को भी हर तरह का सहयोग, उनके लिए चिंता, इस राज्य के अंदर उद्योग लगा करके बहुत सारे फैक्ट्री खुल रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, इथेनॉल के फैक्ट्री लगेंगे, मक्का का बिक्री होगा, बहुत सारे प्रोसेसिंग यहाँ किया जाएगा। देश मुश्किल समय में अपने पैर पर खड़ा होने का काम भी किया है और सीखने का मौका भी मिला है। इस कोरोना काल में मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई और सारी परेशानियों को दूर करते हुए आज हम अपने पैर पर खड़ा भी हैं, डगमगाए भी नहीं। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा मंत्र है, को लेकर हम सब लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वह मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी सभी देश के 130 करोड़ लोगों का प्रयास है कि देश मेरा समृद्ध कैसे बने, शिखर वैभव पर कैसे पहुँचे, और देश का सम्मान कैसे बढ़े, उसको लेकर के माननीय मोदी जी एकदम राष्ट्र को सर्वोपरि माना है, और हम सब लोग सर्वोपरि मानते भी हैं।
लेकिन सर्वोपरि में सबसे मजबूत स्तंभ नींव जिसको कहते हैं वह नींव है हमारा गरीब किसान दलित पीड़ित शोषित वंचित समाज, उसका जब उत्थान करेंगे। अन्य सरकार इसमें बहुत सारे सरकार 70 साल में आए, गरीबी गरीबी का नारा लगाया और गरीबी के नाम पर अमीरों ने राज किया, लेकिन देश का बेटा एक अत्यंत अति पिछड़ा समाज का बेटा जब आता है और देश की गरीबी को हटाने का प्रयास करता है, उस प्रयास में सबसे बड़ा प्रयास कि गरीब भाई बहनों माताओं को कैसे लाभ मिले, जिसके उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर मैक्सिमम घर को शौचालय देने का काम किया, मैक्सिमम घरों में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने का काम किया, मैक्सिमम घरों में LED बल्ब जलाने का काम किया, मैक्सिमम गांवों में सड़कें बनने का काम हुआ और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आते हैं और गरीब के हित में जब काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, लेकिन जब आपको भी 70 साल मौका मिला था तो आपने क्यों नहीं किया? और आज मात्र 8 साल के अंदर उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो एक हर काम को करके दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। और जब उनकी राज थी, जब व्यवस्था था, तो उन्होंने सिर्फ पेपर पर योजना बनाने का काम इम्प्लीमेंट करने का काम किया और योजना कागज़ पर ही योजना को कंप्लीट करने का काम किया, लेकिन देश के मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी उस योजना को ज़मीन पर उतारने